Subscribe to my channel, The Classroom, and press that bell icon so that you never miss any future update. Hello everyone, welcome back again to my channel, The Classroom, and aapki request pe main ye video lekar aayi hoon, where we are going to discuss about the practical question paper of CBSE Class 12th IP. Yes, practical question paper jo hai bacha, that is very important because maine aapko pichle video mein पूरे आपका जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया था एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर का मार्क्स वेटेज होता है 15 मार्क्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. एंड किसी एक सब्सक्राइबर ने, किसी एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट किया था टू मेक दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर. सो हियर आई एम. ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही पूरा पैटर्न फॉलो हो, बट जस्ट आपको एक रफ आइडिया आ जाए दैट हाँ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा. फॉर मी वॉट पैटर्न आई हैव फॉलोड इज, मैंने 4 मार्क्स का पांडाज लिया है, ठीक है, 4 मार्क्स का मैटप्लॉटलिब का क्वेश्चन है एंड 7 मार्क्स की एसक्यूएल क्वेरी है. सो दिस विल गिव यू अ टोटल ऑफ 15 मार्क्स. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम प्लेयर्स एंड राइट कोड. ठीक है, इसमें मैंने 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं. अब सबसे पहला सब क्वेश्चन है टू write the code or to create the above data frame. How to create this data frame which is given here to us. ठीक है, ऊपर data frame का पूरा layout दिया गया है यहाँ पे, you can see that. Yes, and हमें क्या करना है, इसी data frame को बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, because we are using the functions of panda, सबसे पहली line होनी चाहिए import pandas as pd. ये practical question you don't have to directly write in your supplementary, आपको पहले execute करना होगा. सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन होने के बाद ही आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है. ठीक है, आई एम क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. सो हियर आई हैव टेकन वन वेरिएबल DICT इनटू व्हिच आई एम स्टोरिंग द की वैल्यूज. यहाँ पे देखो कितनी कॉलम्स है हमारे पास, 3, नेम, एज एंड स्कोर. ठीक है, तो वो मैंने क्या किया, डिक्शनरी में की वैल्यू ले ली. अब यह कीज के सामने वैल्यूज क्या दी हैं जो हमारी रोज में आनी चाहिए वैल्यूज, वो हियर जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 ही वैल्यूज ली है. यू हैव टू क्रिएट द होल डेटा फ्रेम दैट इज हैविंग द 5 रोज इन टोटल. ठीक है, आई एम बिकॉज आई हैव जस्ट यूज योर फॉर योर रेफरेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही वैल्यूज दी है, सचिन, धोनी एंड विराट. ठीक है, फिर उनकी एजेस दे दी है एंड द रन दे स्कोर. ये तो अभी सिर्फ डिक्शनरी बना, डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है हमें डेटा फ्रेम में. सो आई एम यूजिंग द डेटा फ्रेम फंक्शन ऑफ द पांडाज लाइब्रेरी और उसमें हम क्या पास करेंगे, ये डिक्शनरी यहाँ पे पास कर देंगे. देन वी विल सिंपली प्रिंट द डेटा फ्रेम एंड दैट वुड बी एन प्रॉपर आउटपुट. लेट्स गेट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू फेच द टॉप 2 एंट्रीज. ऊपर की 2 एंट्रीज कैसे हम लोग फेच करवाएंगे. सो ऑल ऑफ यू नो, बहुत बार हमने पढ़ लिया है दैट विल यूज द हेड फंक्शन व्हेन वी वांट टू फेच द टॉप 2 एंट्रीज. ठीक है, हेड फंक्शंस यहाँ पे यूज किया है क्योंकि 2 एंट्रीज हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखेंगे. अगर 5 एंट्रीज पूछी गई है तो यू विल राइट 5 इंस्टेड ऑफ 2. ठीक है, ओके. नाउ दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर. ठीक है, अगर आपको वाइवा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो, द लिंक टू विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आल्सो इन द आई आइकन ओवर हियर. फाइन, एंड इफ यू आर हैविंग एनी इन जनरल डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यस, फाइन, चल विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नेम कॉलम. चलो अभी यहाँ पे क्योंकि सॉर्टिंग करना है या डायरेक्टली प्रिंटिंग, ठीक है, मैंने सीधा प्रिंट में ही लिख दिया है, प्रिंट फंक्शन में क्या लिखा, डेटा फ्रेम का नेम, देन सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन. फाइन, बाय, बाय इज द पैरामीटर विच वेर यू स्पेसिफाई कि आपको कौन से कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है दैट नेम कॉलम के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करना है. सो आई हैव रिटन हियर नेम. Now this name would be coming in the quotation marks and make sure कि इसका जो केस है वो सही है. ठीक है, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. असेंडिंग में मैंने फॉल्स कर दिया क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो ये सॉर्ट वैल्यू फंक्शन होता है वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट करके देता है, बट हियर इन द क्वेश्चन इट इज मैंशन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें असेंडिंग को फॉल्स करना पड़ेगा.
नाउ डोंट डू कि आप डिसेंडिंग को ट्रू कर दो, वो काम नहीं करेगा, राइट? हियर यू हैव टू कंपल्सरीली डू असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स विद एफ कैपिटल. फाइन, विल गो टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू रीनेम द रो इंडेक्सेस बाय ए बी सी डी. अगर मुझे सारे रो के इंडेक्सेस को ए बी सी डी से रीनेम करना है, देन आई एम गोइंग टू यूज द रीनेम फंक्शन. देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है, रीनेम करना है तो रीनेम फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? री इंडेक्स करना है तो यहाँ पे री इंडेक्स यूज करेंगे. नाउ द डिफरेंस बिटवीन रीनेम एंड री इंडेक्स, मतलब जब भी हम रीनेम करते हैं तब यहाँ पे ये सारे जो हमारे 0, 1, 2, 3 है वो हट जाएंगे और आ जाएगा ए बी सी डी ई, ठीक है? बट जब री इंडेक्सिंग करते हैं तब शायद हमें ये 2 को ऊपर लेकर जाना है, ठीक है? वी वॉन्ट टू यूज दीज ओनली, द वैल्यूज ऑफ इंडेक्सेस विल बी सेम बट वो रीअरेंज हो जाएंगे, तो री इंडेक्स तब यूज करोगे. रीनेम कब यूज करना है? जब आपको ऑल टुगेदर चेंज ही कर देना है इंडेक्स के नाम, तब आप रीनेम यूज करोगे. फाइन, देन रीनेम के अंदर पैरामीटर लगाएंगे इंडेक्स का, एंड इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी हम लोग दे देंगे कि जहाँ पे 0 है उसको रिप्लेस करो ए से, जहाँ पे 1 है उसको रिप्लेस करो बी से, ठीक है? अगर यहाँ पे आपके कोई अलग इंडेक्स की वैल्यूज है, सपोज यहाँ पे आपके 0 की जगह पे यहाँ से 1 से शुरू हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे डिक्शनरी में 0 की जगह पे 1 मेंशन करोगे. फाइन, सो दैट डिपेंड्स अप टू द क्वेश्चन. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि ये क्वेश्चन मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यही क्वेश्चन आएंगे या यही पैटर्न होगा. द पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर डिपेंड्स अप टू योर एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड योर इंटरनल एग्जामिनर ऑल्सो. फाइन, देन आई एम प्रिंटिंग दिस डेटा फ्रेम विच वुड बी नाउ अ रीनेम्ड डेटा फ्रेम. देखो यहाँ पे मैंने df equals to df.rename लिखा है, मतलब df वाला जो डेटा फ्रेम था उसमें मैंने रीनेम्ड डेटा फ्रेम को वापस स्टोर कर दिया, ओवरराइट करवा दिया. फाइन, लेट्स गेट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ मैटप्लॉटलिब. अब ये जो पिछले 4 क्वेश्चंस थे वो 4 मार्क्स के हो गए, ठीक है? 1 mark फॉर ईच क्वेश्चन. नाउ हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड राइट द कोड टू प्लॉट इट. सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन कौन से फंक्शंस यूज हुए मैटप्लॉटलिब के. बिकॉज दिस इज अ बार ग्राफ, तो हमने यूज किया होगा plt.bar, ठीक है? ये बार ग्राफ है, वी कैन डायरेक्टली सी इट. देन एक्स टिक्स मुझे बदले हुए से दिख रहे हैं. यहाँ पे जनरली नंबर्स आते हैं बट यहाँ पे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम आ रहे हैं, तो एक्स टिक्स वाला फंक्शन यूज हुआ होगा. फिर टाइटल दिया हुआ है यहाँ पे हमारे ग्राफ को, तो टाइटल वाला फंक्शन यूज हुआ है. एंड एक्स लेबल एंड वाई लेबल फंक्शन इज ऑल्सो यूज हियर. फाइन, और ये जो ग्रिड्स दिख रही हैं, तो ग्रिड्स के लिए क्या यूज करते हैं? plt.grid एंड इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट ट्रू. सो ये सारे फंक्शंस यूज किए गए हैं. अब हमें ये तो पता चल गया ये सारे फंक्शंस हैं, सो वी कैन राइट द कोड वेरी इजीली, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt, ठीक है? नेमलाइज कर दिया ताकि मुझे matplotlib.pyplot वापस ना लिखना पड़े. लिस्ट 1 में मैंने जो भी x एक्सिस की वैल्यूज है वो लिख दी है. सी ओवर हियर इट इज ऑफ 5, 20, 30 एंड दिस वन अगेन 5. तो 5, 20, 35 ऐसी वैल्यूज चाहिए. हियर आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट विद द हेल्प ऑफ दोज वैल्यूज. नेक्स्ट लिस्ट लिस्ट 2, वो किसके लिए बनाया? एक्स एक्सिस के लिए. उसमें क्या सारी चीज़ें हैं? C++, जावा, पाइथन, PHP, ठीक है? चलो अब मैंने यहाँ पे एक्स टिक्स यूज़ नहीं किया है. एक्स टिक्स भी यूज़ करना है देन यू कैन डू, बट आई हैव यूज डायरेक्टली, आई हैव पास दिस लिस्ट डायरेक्टली इन माई बार फंक्शन. एक्स एक्सिस के लिए लिस्ट 2, वाई एक्सिस के लिए लिस्ट 1, ठीक है? सो इससे पूरा बार ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. plt.title में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूसेज परसेंटेज 2020, ये मैंने कोटेशन मार्क्स में लिख दिया. ग्रिड क्योंकि दिखानी है सो plt.grid ट्रू कर दिया इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट. देन एक्स लेबल एंड वाई लेबल जो भी देना है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू कैन गिव हियर. एंड लास्टली plt.show, ये करना नहीं भूलना है वरना आपका जो आउटपुट है वो दिखेगा नहीं, आपका जो ग्राफ है दैट वॉन्ट बी विजिबल. फाइन, सो दिस वॉज द सिंपल प्रोग्रामिंग एंड इससे आपका 4 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे. ग्रेट, नाउ विल मूव टूवर्ड्स अवर SQL क्वेरीज.
SQL queries में you have to take care of one thing, जो भी table दिया है वैसा का वैसा table you have to create first. तो आपको पहले create table की query बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, right? उसके बाद ही आप सारे question solve कर पाओगे. So first of all we have to create this table loans and we have to write the SQL queries for these 7 following sub queries. ठीक है, अब क्या है वो first question देखते हैं. Display the sum of amount whose interest rate is greater than 10. चलो अभी sum use करना है. यहाँ पे दिख ही रहा है हमें question में कि sum दिया हुआ है. So that is our keyword. हमें उसे पकड़ लेना है बिल्कुल अच्छे से. ठीक है, और आपने 12th class में SQL में aggregate functions पढ़े हैं. So sum is one of the aggregate function or multi row function जिसका हम use यहाँ पे करेंगे. So select सम, किसका सम चाहिए? तो भैया अमाउंट का चाहिए. सो विल राइट इन द ब्रैकेट अमाउंट. ठीक है, जो भी यहाँ पे कॉलम का नाम है वही का वही आपको क्वेरी में भी लिखना है. फ्रॉम लोन्स, ओके दिस इज अवर टेबल लोन्स वेयर इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन 10. यहाँ पे वेयर की कंडीशन क्यों आई? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ग्रेटर देन 10 होना चाहिए. फाइन, चलो सो दिस वन इज सॉर्टेड. विल गो टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेरी. डिस्प्ले मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन्स टेबल. अरे ये तो मक्खन सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना. सो वॉट विल राइट? सिलेक्ट मैक्सिमम. अगेन मैक्सिमम इज अवर एग्रीगेट फंक्शन. पूरे टेबल में से क्या करेगा? मैक्सिमम इंटरेस्ट जिसका भी होगा वो सर्च करके ला कर दे देगा. फाइन, ये रहा हमारा. सो द आउटपुट वुड बी दिस वन, मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स टेबल. फाइन, display the count of loan holders whose name ends with Jane. Now this is the concept of class 11th. But 11th and 12th dono ke concepts pe aapke SQL queries aayenge, that you have to be very careful about. Aapka python ka portion kabhi bhi 11th ke portion mein se wo log nahi puchenge, but SQL queries 11th 12th dono ka portion you have to sort it out. Fine, what is written here? काउंट चाहिए हमें लोन होल्डर्स का. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? काउंट स्टार कर देंगे यहाँ पे कि सारी चीज़ें काउंट करो. फ्रॉम लोन्स वेयर नेम लाइक, लाइक इज अवर क्लॉज दैट वी यूज इन माई SQL, है ना. हम लोग SQL में ये लाइक यूज करते हैं कब? जब हमें कुछ कंपैरिजन करना हो कि इसके जैसा हो. तो किसके जैसा होना चाहिए? जहाँ पे नेम एंड करता है जेन से. सो आई हैव रिटन योर परसेंटेज जेन. आगे कुछ भी हो आई डोंट केयर, बट इट शुड एंड विथ जेन. फाइन, मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्प्ले द काउंट ऑफ लोन होल्डर्स हुज इंटरेस्ट रेट इज नल. अब ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. व्हाट इज द मिस्टेक दैट यू ऑल डू इज इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू नल लिख देते हो. इज इक्वल्स टू नल के साथ काम नहीं करता है. वी हैव टू कंपल्सरीली राइट इज. ठीक है, सिलेक्ट काउंट स्टार. क्यों काउंट क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि हमें काउंट चाहिए लोन होल्डर्स का. सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम लोन्स वेयर इंटरेस्ट रेट इज नल. ठीक है, इज इक्वल्स टू नल नहीं लिखना है, इज नल लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द इंटरेस्ट रेट. अच्छा, इंटरेस्ट रेट वाइज डिटेल्स ऑफ लोन अकाउंट होल्डर्स. इंटरेस्ट रेट वाइज मतलब हमें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं. ठीक है, किसके बेसिस पे ग्रुप करना है? तो इंटरेस्ट रेट के बेसिस से. जब भी ऐसा ग्रुपिफाइंग वाला आपको क्वेश्चन दिखे तो यू हैव टू यूज ग्रुप बाय क्लॉज. ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन्स ग्रुप बाय विच कॉलम. सो इंटरेस्ट रेट वाली जो कॉलम है उस पर से ग्रुप कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द इंटरेस्ट रेट वाइज डिटेल्स. अगेन इंटरेस्ट रेट वाइज डिटेल्स है, तो यहाँ पे भी ग्रुप बाय यूज होगा. ऑफ लोन अकाउंट होल्डर्स विथ एटलीस्ट 10 इंस्टॉलमेंट्स. अब यहाँ पे ग्रुप बाय के साथ हमें कोई कंडीशन भी लगानी है. सो वॉट विल डू इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन्स ग्रुप बाय इंटरेस्ट रेट हैविंग इंस्टॉलमेंट्स ग्रेटर देन 10. ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज डिस्प्ले द एवरेज ऑफ लोन अमाउंट. अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. डायरेक्टली एवरेज एग्रीगेट फंक्शन लगा देंगे. कौन से कॉलम पे? तो अमाउंट की कॉलम पे. कौन से टेबल से? तो लोन्स वाले टेबल से. फाइन, सो ये थे मेरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम. आई होप दिस हेल्प्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट थम्स अप बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.